तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा 10th और 12th के छात्रों को, जिन छात्रों ने इस वर्ष एग्जाम दिए, बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती कॉपी में कर आए, जिन गलतियों को मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और चैनल को पहली बार है तो लाल रंग में अगर सब्सक्राइब दिख रहा है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैट्रिक और इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपियों का मूल्यांकन हो गई है और बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉपियों के मूल्यांकन की वजह देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इन गलतियों को किए हैं, जिन गलतियों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के वक्त में कॉपियों में पैसा रख देते हैं, जिसके वजह से और पैसा रख देते हैं और सोचते हैं कि जिस समय टीचर जांच करेगा उस समय पैसा देकर नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि कॉपियों में बार पैसा 500 या 1000 का नोट रख देते हैं और सोचते हैं कि मुझे टीचर के द्वारा नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिहार बोर्ड द्वारा जिन कॉपियों के मूल्यांकन की जाती है, कॉपियों के मूल्यांकन CCTV कैमरे के निगरानी में किया जाता है और किसी प्रकार के वहां पर ऐसा काम नहीं किया जाता है जिससे कि बिहार बोर्ड की छवि खराब हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ये काम करते हैं कि बार बार कॉपियों में पैसा रख देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में देखा गया है कि कॉपियों में पैसा रख देते हैं और उस पर सोचते हैं कि मुझे टीचर के द्वारा पैसा के लालच में नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन बिहार बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई भी नहीं काम किया जाता है। जैसा कि और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कॉपियों में वे अपने गरीबी लिख देते हैं, सर ऐसा थे, हम गरीब थे, पैसा नहीं मिलने के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, और बहुत सारे तरह तरह की बातों लिख देते हैं, लेकिन इन सब बातों लिखने से बिहार बोर्ड के द्वारा नंबर नहीं दिया जाता। और बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती बार बार कॉपियों में करते हैं, जिससे कॉपियों के मूल्यांकन के समय टीचर के द्वारा ये जांचा जाता है कि इस प्रकार के कॉपियों में लिखा हुआ मिला आ रहा है, बहुत सारे की तरह तरह की बातें लिखे रहते हैं कॉपियों में, लेकिन इन सारे बातों लिखने से कॉपियों की मूल्यांकन के समय नंबर नहीं दिया जाता, क्योंकि टीचर की द्वारा जिन कॉपियों के मूल्यांकन की जाती है वो CCTV कैमरे की निगरानी में किया जाता है, जहाँ पर कि कोई भी इस तरह के काम नहीं किया जाता जिससे बिहार बोर्ड की छवि खराब हो और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कॉपियों के मूल्यांकन किए जाते हैं, क्योंकि टीचर पर भी दबाव रहता है और उन पर सीमित एक दिन में सीमित कॉपियों की मूल्यांकन करने के लिए दिया जाता है कि आप अगर 10 कॉपी को मूल्यांकन करना है तो 10 से कॉपी को टीचर के द्वारा एक दिन में मूल्यांकन किया जाता है, ताकि किसी प्रकार के रिजल्ट में गड़बड़ी ना हो, क्योंकि जो कॉपियों को मूल्यांकन किया जाता है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। कॉपियों को इस वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पैटर्न भी बहुत ही चेंज किया गया और इस बार का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो कॉपियों को मूल्यांकन भी की जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। तो इसी तरह से मैं इस चैनल पर बिहार बोर्ड से छोटी बड़ी न्यूज़ अप टू डेट लाते रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग में अगर सब्सक्राइब दिख रहा है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।